हाँ जी बेटा, ये क्वेश्चन हमारा है आईआईटी जेईई एडवांस 2022 का। इसको देखते हैं। फॉर एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर, देन नंबर ऑफ रियल रूट्स ऑफ द इक्वेशन 3x² - 4 मॉड लगा हुआ है यहाँ पे x² - 1 प्लस x - 1 = 0 इज। तो हमें क्या फोकस करना है यहाँ पे कि रियल रूट्स बताने इस इक्वेशन के, और x हमारे पास बिलोंग टू दे रखा है रियल नंबर्स के लिए हमें दे रखा है। तो हम क्या करते हैं यहाँ पे, सबसे पहले इस इक्वेशन को मैं लिख लेता हूं 3x² - 4 mod x² - 1 + x - 1 = 0। राइट। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के मैं दो तरीके बताऊंगा आपको। पहला तरीका देख लो यहां पे, फर्स्ट मेथड हमारे पास क्या है कि यहां पे जो इक्वेशन दे रखी है इसमें मोड लग रहा है, तो यहां पे कहीं ना कहीं मोड लग गया तो केस आएंगे हमारे पास में। तो कैसेज आएंगे तो उसमें हम देख लेते हैं, पहला केस देख लेते हैं। अब फर्स्ट केस हम किस टाइप से देखेंगे, ये इक्वेशन है तो इसकी हमारे पास में डायग्राम बनेगा, ग्राफ इसका कैसा बनेगा वो हम देख लेते हैं। तो ये इक्वेशन होगा ये हमारे पास में, तो इसका ग्राफ कैसा बनेगा वो हम देख लेते हैं। तो यहां पे अगर मैं बात करता हूं, क्योंकि मोड हमारे पास किस तरीके से होगा, मोड के अंदर वाली वैल्यू -1 और 1 पे सेंसिटिव है, यानी -1 और 1 के इधर उधर मोड की वैल्यू पॉजिटिव नेगेटिव आएगी, -1 के लेफ्ट साइड और राइट साइड में चेंज हो जाएगी, है ना, अगर मैं देख रहा हूं तो इसके अंदर। तो यहां पे मैं क्या करता हूं, -1 और 1 को लिख देते हैं, इस तरीके से शो कर देते हैं। राइट। अब मैं क्या करूंगा, इस इक्वेशन का पूरे का ग्राफ बनाऊंगा, और ग्राफ बनाने के बाद में जो ये एक्स एक्सिस है इस पे ये ग्राफ जहां जहां कट करेगा वो रूट हो जाएंगे इसके, वो हमारे आंसर हो जाएंगे। तो सबसे पहले इसके अंदर मैं देखता हूं केस वन में क्या करता हूं, केस वन में ले लेता हूं माइनस, क्योंकि एक्स तो हमारा कहां तक बिलोंग कर रहा है, रियल नंबर यानी सारी वैल्यू, यानी सारी वैल्यूज में इसका ग्राफ देखेंगे कैसा बनता है। तो इसका ग्राफ सारी वैल्यूज में देखने से पहले हम क्या करेंगे, इसको केस में बांट देंगे। तो केस बना लेंगे पहले, -1 से 1 के बीच में ग्राफ हमें कैसा दिख रहा है, फिर हम देखेंगे -1 1 पे ग्राफ कैसा दिख रहा है, फिर हम देखेंगे -1 के लेफ्ट साइड 1 के राइट साइड ग्राफ कैसा दिख रहा है। तो सबसे पहले इस एरिया में देख लेते हैं, ग्राफ हमें कैसा दिख रहा है -1 से 1 के बीच में। राइट। तो -1 से 1 के बीच में, तो हम कैसे लिख लेंगे इसको, -1 और 1 के बीच में एक्स हमारे पास। तो ये इक्वेशन कैसे बन जाएगी बेटा, 3x² - 4। अब ये मोड -1 से 1 के बीच में कैसा खुलेगा, कोई भी एक्स की वैल्यू -1 के 1 के बीच में अज्यूम करके देख लो, जीरो देख लो, जीरो जैसे ही रखेंगे हम, ये नेगेटिव साइन के साथ खुल रहा है तो मोड नेगेटिव लग के बाहर खुलेगा। तो हम बोल सकते हैं ये खुलेगा हमारे पास मल्टीप्लाई माइनस ऑफ, राइट, तो माइनस ऑफ हमारे पास x², तो इसको मैं लिख लेता हूं x² + 1, क्योंकि नेगेटिव के साथ खुलेगा तो -x² + 1 लिख सकता हूं इसको मैं, प्लस x - 1 = 0। तो ये क्या बन गया हमारे पास, 3x² - यह बन जाएगा प्लस 4x² - 4 प्लस x - 1 = 0, और ये कितना बन जाएगा 7x² + x - 5 = 0। मींस अगर मैं बात करता हूं -1 से 1 के बीच में ग्राफ की इक्वेशन, मतलब जो इक्वेशन है ये रहेगी हमारे पास -1 के 1 के बीच में, तो 7x² + x - 5 ये ग्राफ कैसा बनेगा, है क्वाड्रेटिक। राइट। वो क्वाड्रेटिक है और इसका डी कितना है, ग्रेटर देन 0 है, निकाल के देख लो b² - 4ac से, है ना, ये नेगेटिव वैल्यू यहाँ पॉजिटिव है, तो वैसे ही इसका डी ग्रेटर देन 0 आएगा। डी ग्रेटर देन 0 है अगर मेरे पास में, तो इसके दो रूट आने वाले हैं, यानी ये क्वाड्रेटिक है जिसके दो रूट आएंगे, और ए ग्रेटर देन है मतलब अपवर्ड पैराबोला, यानी कोई पैराबोला ऐसा आने वाला है, लेकिन हमें तो -1 के 1 में इसमें देखना है ना। तो हम क्या करते हैं, इसकी वैल्यू हम देख लेते हैं कि वो जो पैराबोला आएगा इसके रूट हमारे पास में -1 और 1 के किस साइड में है। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूं, 1 के राइट साइड की कोई वैल्यू देखता हूं, 1 के राइट साइड में 2 वैल्यू आती है, तो 2 पे चेक करो कि ये मेरे को इक्वेशन क्या आंसर दे रहा है, 2 पे क्या आंसर दे रहा है, 2 2 = 4 28, यानी पॉजिटिव आंसर दे रहा है, अपन 2 रख के देख रहे हैं तो x की वैल्यू तो पॉजिटिव दे रहा है, यानी 2 पे कोई 2 पे ये पॉजिटिव आंसर दे रहा है ना, तो ग्राफ ऊपर गया होगा। अब देखते हैं 1 पे क्या दे रहा है, 1 पे क्या आंसर दे रहा है, ये 1 पे दे रहा है 7 + 1 = 8 - 5, यानी पॉजिटिव आंसर दे रहा है 1 पे भी। राइट। तो यहां पे अगर मैं बात करूं 1/2 पे देख लो, 1/2 पे आंसर दे रहा है 7 × 1/4 + 1/2 - 5 = 0, तो ये कितना आ गया, ये नेगेटिव हो जाएगा फिर, तो नेगेटिव आंसर आ रहा है 1/4 पे। राइट। तो 1/4 पे नेगेटिव आंसर आ रहा है हमारे पास में, तो नेगेटिव आ रहा है 1/2 पे, तो यहाँ कोई 1/2 होगा उस पे नेगेटिव आंसर आ रहा है, 1 पे पॉजिटिव आ रहा, तो यानी ये ग्राफ कहीं ना कहीं यहां कहीं रूट आया होगा कि 1 पे पॉजिटिव आ रहा है, 2 पे पॉजिटिव आ रहा है,
वन टू का तो कोई रोल नहीं है, तो यहाँ पे मैं देखूंगा कि माइनस वन बाई टू पे नेगेटिव आंसर ले रहा है, तो ग्राफ कहीं ना कहीं ऐसा गया होगा, देखो ऐसे आया होगा कोई ग्राफ, और इधर भी ऐसे आंसर लिया होगा इस ग्राफ ने, राइट। तो ये 7x² प्लस एक्स माइनस फाइव का ग्राफ बना दिया मैंने, लेकिन मतलब मेरे को माइनस वन से वन के बीच में है, तो मैं क्या करूंगा इसको माइनस वन से वन के बीच में ही वैल्यू देखूंगा, तो यहां से इसके राइट साइड वाला ग्राफ मिटा दूंगा मैं, तो यहीं तक मतलब है मेरे को, इसके राइट साइड वाला ग्राफ मिटा दूंगा, सही बात है राइट। तो इस तरीके से हम काम कर लेंगे, तो ये ग्राफ बन गया माइनस वन से वन के बीच में, हमारा ग्राफ बन गया। वन पे क्या आंसर दे रहा था, वैसे हम एक बार लिख लेते हैं वन पे आंसर, क्योंकि आगे हमारे पास यूज आ जाएगा, तो वन पे ये हमें क्या आंसर दे रहा है वो लिख लेते हैं। तो एट एक्स इक्वल टू वन ये हमें दे देगा 7 + 1 - 5, तो ये आ गया 3। एक्स इक्वल टू वन पे ये 3 आंसर दे रहा है, माइनस वन पे कितना आंसर दे रहा है, माइनस वन पे देख लेते हैं। तो माइनस वन जैसे मैं पुट करता हूँ एट एक्स इक्वल टू माइनस वन, तो ये दे देगा मेरे को 7 - 1 - 5 = 0, यानी 6 - 5 यानी 3, 6 - 5 यानी 1, 1 आ रहा है मेरे पास में, है ना, माइनस वन पे 7 - 1 - 5, हाँ तो 1 आंसर आ रहा है, तो माइनस वन पे 1 आंसर आ रहा है, तो ये यानी कहीं ना कहीं ये ग्राफ ऐसा गया होगा, ये 1 आंसर दे रहे हैं, है ना, क्योंकि पूरा गया होगा लेकिन मेरे को तो माइनस वन से मतलब था, तो इस तरीके से मेरा ग्राफ था। अब हम आगे चलते हैं, अब केस वन तो हमने देख लिया माइनस वन से वन के बीच में, अब हम नेक्स्ट केस देख लेते हैं बेटा, यहाँ पे केस टू एट पॉइंट एक्स इक्वल टू माइनस वन और वन पे पॉइंट पे देखेंगे, तो एक्स बिलोंग्स टू मैं ऐसे लिख लेता हूँ माइनस वन एंड वन, इन दोनों पॉइंट पे देख लेते हैं, तो माइनस और वन पे ये जो इक्वेशन है वो क्या आंसर देगा, तो वन जैसे ही रखूंगा तो ये जीरो बन जाएगा, तो यानी इक्वेशन क्या बन जाएगी, वैसे ही जैसे ही मैं माइनस वन वन एक्स की वैल्यू लूंगा तो इक्वेशन बन जाएगी 3x² ये जीरो बन जाएगा, तो इसको मैं जीरो लिखने के बजाय फिर प्लस सीधा ये लिख देता हूँ x - 1 = 0, यानी ये इक्वेशन जो है माइनस और वन पे बनने वाली है। अब माइनस वन और वन पे आंसर देख लो, वन पे क्या आंसर दे रहा है ये एट एक्स इक्वल टू वन, ये क्या आंसर दे रहा है, तो 3 + 1 - 1 राइट, ये आंसर हमें दे रहा है। तो एट एक्स इक्वल टू वन पे ये फंक्शन हमें क्या आंसर दे रहा है, 4 ये 3 दे देगा हमें, एक्स इक्वल टू वन पे 3 ही आंसर दे रहा है, ये 3 दे रहा है ना, यस 3 आंसर दे रहा है, यानी एक्स इक्वल टू वन पे, क्योंकि अब मैं वन पे देख रहा हूं तो 3 आंसर मिल रहा है राइट, क्योंकि इसका अगर मैं ग्राफ देखूंगा तो पूरा बनेगा, लेकिन मुझे मतलब इसका ग्राफ कहां से कहां है, ओनली माइनस वन और वन पे, तो माइनस वन और वन पे ही मैं इस ग्राफ को शो कर दूंगा, यहाँ पे प्लॉट कर दूंगा। तो हम माइनस वन पे देख लेते हैं एट एक्स इक्वल टू माइनस वन पे देख लेते हैं। देखो बेटा एडवांस का क्वेश्चन है, तो मैं इतना सोच के चलता हूँ कि तुम्हें कॉन्सेप्ट थोड़े आते हैं क्वाड्रेटिक, है ना, जो ये बात कर रहा हूँ ये चीज समझ में आ रही होगी, है ना, प्रॉपर एकदम बेसिक नहीं समझा रहा हूं मैं, एडवांस का क्वेश्चन है तो थोड़ा सा हमें ध्यान से देखना होगा। एक्स इक्वल टू माइनस वन पे देखूंगा तो माइनस वन अगर मैं यहाँ पुट करता हूँ तो माइनस वन का होल स्क्वायर यानी 3, यहाँ माइनस वन तो ये आ जाएगा 3 - 2 यानी 1 आ जाएगा, तो x इक्वल टू माइनस वन पे ये 1 आंसर मिल रहा है, सही बेटा राइट। अब नेक्स्ट हम देख लेते हैं केस 3, यहां पे लिख लेते हैं केस 3 राइट। अब केस 3 पे अगर मैं बात करता हूं तो केस 3 बच गया माइनस वन, x हमारा माइनस इंफिनिटी से बड़ा है माइनस वन से छोटा, यूनियन x हमारा 1 से बड़ा है और इंफिनिटी, तब हमारे पास क्या होगा, तो उस सिनेरियो में अगर मैं बात करता हूं x की कोई भी वैल्यू रखते हैं तो ये मोड हमारा पॉजिटिव खुलेगा, तो पॉजिटिव हम देख लेते हैं, तो पॉजिटिव के हिसाब से आ जाएगा बेटा ये 3x² - 4 और ये x² - 1 + x - 1 = 0, तो यहां से आ जाएगा मेरे पास 3x² - 4x² + 4 + x - 1 = 0, तो ये आ जाएगा मेरे पास -x² + x + 3 = 0, तो इसको हम लिख लूंगा x² - x - 3 = 0। तो यहां पे मैं इधर इधर ऐसा ग्राफ बनाऊंगा x² - x - 3 का, तो x² - x - 3 का अगर मैं ग्राफ देखता हूं तो ये मुझे 1 पे क्या आंसर दे रहा है, देखो पहले तो 1 पे ही आंसर दे रहा है एट x इक्वल टू 1 पे, 1 रखा तो 1 - 1 - 3, तो ये दे दिया -3 आंसर दे रहा है हमें 1 पे, तो 1 पे आंसर दे रहा है कोई -3 वाला आंसर दे रहा है कोई राइट।
तो माइनस का आंसर आ रहा है, तो एक बार मैं ऐसे शो कर देता हूँ क्योंकि मुझे अभी ये वैल्यू पता नहीं है कितनी है, हमने निकाली नहीं थी। माइनस थ्री को आंसर दे रहा है। और ऐसे ही मैं अगर देख लेता हूं इसको एट एक्स इक्वल टू माइनस वन पे क्या आंसर आ रहा है बेटा, माइनस वन पे हमारा पास आंसर आ जाएगा इसका वन प्लस वन माइनस थ्री, तो माइनस वन आ रहा है, माइनस वन पे माइनस वन आंसर आ रहा, कोई नेगेटिव आंसर आ रहा है राइट। अब मैं देख लेता हूं इस इक्वेशन का टू पे क्या आंसर दे रहा है, टू पे पॉजिटिव दे रहा है क्या, देख लेते हैं। टू टू जा फोर, फोर माइनस टू नहीं, टू पे भी हमें पॉजिटिव आंसर दे रहा, थ्री पे पॉजिटिव दे रहा है क्या आंसर देखो, थ्री थ्री जा नाइन, थ्री पे दे रहा है हमें थ्री थ्री जा एट एक्स इक्वल टू थ्री, देख लेता हूं मैं, तो नाइन माइनस थ्री माइनस थ्री, यस यहां पे मेरे को पॉजिटिव यानी एक्स इक्वल टू थ्री पे पॉजिटिव आंसर आ रहा है। मीन्स अगर मैं बात करता हूं तो ये ग्राफ कुछ ऐसा गया होगा और इधर कोई थ्री होगा, ऐसे ही इधर मैं बात करूं तो ये ग्राफ कोई ऐसा गया होगा, क्योंकि मुझे पूरे ग्राफ से तो मतलब ही नहीं है, क्योंकि ये जो ग्राफ मुझे ये वाला देखना है, इसका ग्राफ बनाऊंगा मैं पूरा, उसको सिर्फ मुझे माइनस इंफिनिटी से माइनस वन तक देखना है, वन से इंफिनिटी तक देखना है, तो ये ग्राफ बन गया, मतलब प्रॉपर ये ग्राफ हमारे पास बन जाएगा और यहां मैं ये शो कर देता हूं राइट। तो मींस ये जो फंक्शन है बेटा, इसका मैंने पूरा ग्राफ बना दिया आपके सामने। अब यहां हम देख लेते हैं कि एक्स एक्सिस पे कितने पॉइंट्स पे कट रहा है, वन टू थ्री फोर, यानी चार रूट आ रहे हैं, तो फोर रियल रूट इसका आंसर हो गया राइट, फोर रियल रूट इसका आंसर हो जाएगा। अब इसका हम सेकेंड मेथड देख लेते हैं, सेकेंड मेथड हमारे पास क्या होगा, ओके तो नेक्स्ट हम सेकंड मेथड देखने से पहले मैं एक और चीज बता देता हूं बेटा, वैसे हम डायरेक्ट भी देख सकते थे इसका आंसर क्या होगा, कि जिसको थोड़ा समझ होगा तो वो सीधा केस ले लेगा, ये दोनों केस हमारे पास में आएंगे जिसमें डिस्क्रिमिनेंट देख लूंगा मैं, इसका ग्रेटर देन जीरो आ रहा है, इसका भी डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन जीरो आ रहा है, तो ग्रेटर देन जीरो के दो रूट यहां से, दो रूट यहां से, तो चार रूट हमारे पास में आंसर आ जाएगा, और माइनस और वन पे तो हमारे पास में रूट आ नहीं रहे है ना, चार रूट हम डायरेक्ट दे सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हमें क्लियरिटी भी होगी कि क्वाड्रेटिक का ग्राफ कैसे बनेगा अलग अलग, अगर मैं देखूं कोई भी इक्वेशन लिख दी जाए उसका ग्राफ हम कैसे बना सकते हैं, ग्राफ बनाते हैं कोई भी क्वेश्चन आए इस ग्राफ का बता दो राइट, क्लियरिटी हमें मिल जाएगी। नेक्स्ट देख लेते हैं कि इसका सेकंड मेथड क्या होगा हमारे पास,